नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर अब सियासी दौर काफी ज्यादा गर्माता हुआ जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी कोशिशों में जुटे हुए हैं कि अपनी जो पारिवारिक 5 सीटें हैं उन पर जीत हासिल करें और ऐसे में अन्य 5 सीटों पर भी बड़ी जीत हासिल हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी सियासी मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है और यहाँ तक कि बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। मायावती को अब एक मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है जबकि आकाश आनंद की वापसी होती है। तो ऐसे में अब क्या वाकई मायावती अब उपचुनाव को साध पाएंगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो कुछ खास बेहतर प्रदर्शन मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी कर नहीं पाई, लेकिन क्या आकाश आनंद की वापसी से वो पार्टी को दोबारा मजबूती मिल सकेगी? क्या विधानसभा के उपचुनाव में कुछ सीटें यहाँ पर हासिल करने में मायावती कामयाब होंगी? और चंद्रशेखर आजाद रावण जो नगीना लोकसभा से चुनाव जीतकर सांसद बने और उसके बाद कहीं ना कहीं अब एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, क्या उनका एक्टिव मोड और यहाँ पर स्टार प्रचारकों की सूची जारी करना और विधानसभा के उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां करना क्या अखिलेश यादव के लिए कोई मुश्किलों भरा दौर यहाँ पर ला सकता है? क्या दोनों मिलकर यहाँ पर अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ सकते हैं? और भारतीय जनता पार्टी की क्या कुछ भूमिका रहेगी? इस पूरे मुद्दे पर तमाम चर्चा करेंगे हमारी सहयोगी शालिनी से। शालिनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शालिनी, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से एक तरफ तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी में अपर्णा यादव की वापसी की उम्मीदें लगाई जा रही हैं और देखा जाए तो दूसरी तरफ उपचुनाव को लेकर माहौल इतना ज्यादा गर्माता जा रहा है कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर रावण और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती दोनों ही इस तरह के दावे और वादे पेश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि वो इस लोकसभा चुनाव के बाद अब कहीं ना कहीं विधानसभा के उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे। क्या वाकई यहाँ पर दोनों पार्टियां अखिलेश यादव को बड़ी टक्कर देती हुई नजर आएंगी? क्या भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में कहीं ना कहीं दोबारा से पिछड़ती हुई नजर आ सकती है? क्या कुछ लगता है शालिनी? मनीष, उत्तर प्रदेश में अगर अभी सियासत गरमाई हुई है तो वो केवल इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की जो आवाज़ है वो बार बार सुनाई दे रही है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण यहाँ पर संसद में पहुँचने के बाद दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, मुसलमानों की आवाज़ उठा रहे हैं, नवाज़ के मुद्दे पर बोले, वो कांवड़ के मुद्दे पर बोलते हुए दिखाई दिए। तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो आने वाले जो विधानसभा के 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसमें वो अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारें और जीत दर्ज करते हुए दिखाई दें। लेकिन यहां पर अगर चंद्रशेखर आजाद और मायावती एक हो जाते हैं और एक होने के बाद यहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मैदान में उतरते हैं तो ये बिल्कुल कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये गठबंधन होगा, ये गठबंधन समाजवादी पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देता पूर्ण रूप से दिखाई देता नजर आएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर ये देखा जाए तो आकाश आनंद की वापसी हो चुकी है बहुजन समाज पार्टी में। अब आकाश आनंद की जो आवाज़ है वो पहले से ही युवा जो चेहरे हैं वो पसंद कर रहे थे, युवा यहाँ पर उनके बयानों को सुन रहे थे और पसंद करते हुए भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद की भूमिका अगर बहुजन समाज पार्टी में देखी जाए तो महत्वपूर्ण भूमिका साबित होती दिखाई दे सकती है। और वैसे भी चंद्रशेखर आज़ाद रावण का ये कहना है कि वो मायावती का सम्मान करते हैं, तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि अगर चंद्रशेखर आज़ाद रावण मायावती के साथ जुड़ते हैं तो मायावती विधानसभा चुनावों में कुछ सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई देंगी और यहाँ पर जो आज़ाद समाज पार्टी है चंद्रशेखर की उसको भी वो मजबूती मिलती हुई दिखाई दे सकती है। और ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका मिला है और अखिलेश यादव की पार्टी द्वारा दिया गया है तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा पिछड़ती हुई दिखाई दे सकती है। विधानसभा चुनावों में अखिलेश यादव भी मुश्किलें बढ़ाएंगे और साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद और बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती हुई दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल, तो अब भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और ऐसे में देखा जाए लोकसभा चुनाव में पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। अखिलेश यादव जो कि 4 से 5 सीटों की उम्मीद लेकर चल रहे थे वो 37 सीटों पर जीत दर्ज करते हैं और एक बड़ी पार्टी की बनकर उत्तर प्रदेश में उभरते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर कयास भी लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में हो सकती है और काफी लंबे दौर से ये बात जो है कहीं ना कहीं सियासी गलियारों में घूमती हुई नजर आई है और शिवपाल यादव और यहां पर डिंपल
पीपल यादव भी समर्थन करते हुए नजर आए अखिलेश यादव की इस बात का। तो अब जिस तरीके से समाजवादी पार्टी तैयारियां करने में जुटी हुई है और यहाँ पर उपचुनाव वाली सीटों पर यहाँ पर कोई भी नाम की घोषणा करती हुई नजर नहीं आ रही है, तो क्या वाकई यहाँ पर शालिनी जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बनाया जा रहा है या यूं कहें जिस तरीके से अपर्णा यादव की वापसी की उम्मीदें लगाई जा रही हैं, तो क्या वाकई अपर्णा यादव वापसी करेंगे? और उसके बाद करहल की जो सीट है, जो कि अखिलेश यादव की सीट थी लोकसभा चुनाव जीतने से पहले, वो सीट उनको सौंप दी जाएगी और क्या वाकई यहाँ पर वापसी होती हुई नजर आएगी? क्या कुछ कहना है आपका? अपर्णा यादव की वापसी अगर होती है तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगेगा और समाजवादी पार्टी को काफ़ी ज़्यादा खुशी होती दिखाई देगी, क्योंकि अपर्णा यादव अभी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं और वो इंतज़ार कर रही हैं। इंतज़ार किया उन्होंने पहले 2 साल तक लोकसभा चुनावों का, लेकिन लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जो वो डिजर्व करती थी। अब ऐसे में ये देखा गया कि अपर्णा यादव इंतजार कर रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें उन्हें मौका दिया जाए, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी उसमें भी अगर मौका नहीं देती है तो यहाँ अपर्णा यादव को कोई बड़ा फैसला ले लेना चाहिए। अपर्णा यादव को ये सोच लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी में वो जगह उनकी नहीं है जो वो सोच कर यहाँ पर आई थी, और ऐसे में उन्हें समाजवादी पार्टी का रुख कर लेना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम ये कह सकते हैं कि वो आने वाले विधानसभा चुनावों का भी इंतजार दिखाई दे, वो 2027 तक भारतीय जनता पार्टी में रहे, इंतजार करें, उन्हें ये उम्मीद रहे कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उन्हें मैदान में उतारेगी। तो यहाँ पर अपर्णा यादव की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है और ऐसे में उन्हें काफी ये कह सकते हैं कि उनका जो राजनीतिक करियर है यहाँ पर वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। इसीलिए अपर्णा यादव को ये निर्णय लेना चाहिए और यहाँ पर समाजवादी पार्टी में वापसी करनी चाहिए, और अगर वो समाजवादी पार्टी में वापसी कर लेती हैं तो अखिलेश यादव, बिल्कुल जिस प्रकार से अखिलेश यादव यहाँ पर शिवपाल यादव की बात की जाए तो वो लगातार कहते दिखाई दे रहे हैं कि अपर्णा यादव हमारी घर की बहू हैं, और अगर वो वापस एंट्री करती हैं या वापस आती हैं तो यहाँ पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है। और करहल तो समाजवादी पार्टी की पारिवारिक सीट है, जिस तरीके से करहल पर अखिलेश यादव मेहनत करते दिखाई दिए हैं और यहाँ पर उस क्षेत्र को संभालते हुए दिखाई दे हैं, तो वो यही चाहेंगे कि करहल से उनका कोई परिवार का सदस्य ही मैदान में उतारा जाए और वो जीत दर्ज करे। और अगर अपर्णा यादव को करहल से उतार देती है समाजवादी पार्टी तो यहाँ अपर्णा यादव बिल्कुल जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे सकती है, क्योंकि बीते लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से डिम्पल यादव मैदान में थी और डिम्पल यादव ने यहाँ पर सबसे ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की है। तो ऐसे में अपर्णा यादव की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। मनीष जी बिल्कुल, तो अपर्णा यादव की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी का रुख करती हैं या समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं, तो अब वाकई यहाँ पर जिस तरीके से समीकरण यहाँ बनाए गए हैं और या यूं कहें कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद अब उपचुनाव को लेकर तमाम तैयारियां करती हुई नजर आ रही है, और ऐसे में बैठकें यहाँ पर अखिलेश यादव द्वारा की जा रही हैं, शिवपाल यादव द्वारा की जा रही हैं, तो तमाम पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ता और नेताओं द्वारा जो यहाँ पर बैठकें की जा रही हैं उसको देख कर यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय के लिए या यूं कहें उपचुनाव के लिए जो अखिलेश यादव रणनीति बना रहे हैं वो रणनीति भी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों की तरह कारगर साबित होगी। और ऐसे में जिन भी सीटों पर यहां पर चुनाव हो रहे हैं, जितनी भी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है तो 10 में से 6 से 8 सीटें तो जहां तक समाजवादी पार्टी निकालती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अखिलेश यादव जिस तरीके से ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं या योजनाएं जिस तरीके से बनाते हुए नजर आ रहे हैं उपचुनाव को लेकर, और यहां पर अपर्णा यादव की वापसी की इतने कॉन्फिडेंस से यहां पर घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं कि अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी छोड़कर दोबारा घर की तरफ आ सकती हैं, समाजवादी पार्टी में वापसी कर सकती हैं, शायद यही वजह है कि यहाँ पर करहल विधानसभा सीट से यहाँ पर कोई भी नाम घोषणा नहीं की जा रही है। और ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी भी काफी सुस्त दिखाई दे रही है, तो अब देखना यह होगा क्या वाकई अपर्णा यादव वापसी करती हैं और अखिलेश यादव करहल से विधानसभा चुनाव उनको लड़वाते हुए देखे जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9।